हेलो। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे थे जो ईओ और आरओ में जो पार्ट बी था, जो भाग बी था, उसमें हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे नगर पालिकाओं से संबंधित। उसकी ये 9वीं क्लास है आज। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में पाया जाता है, उस व्यक्ति के लिए कौन सा अधिकार अनुमोदित किया गया है? उसके लिए जो मतदान का अधिकार है वो अनुमोदित किया गया है, कौन सा मतदान का अधिकार? अगला हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाता हूँ। अगला हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा प्राधिकरण उपनियम बनाने का अधिकार रखता है? तो इसमें नगर पालिका रखती है। अगला हमारा क्वेश्चन है ये, किसकी देखरेख में राजस्थान नगर पालिका सभी चुनावों का आयोजन किया जाता है? तो देखरेख में ये है राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, राज्य चुनाव आयोग। अगला हमारा क्वेश्चन है ये, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 38 के अनुसार नगर पालिका सदस्य के इस्तीफे को कौन स्वीकार करता है? तो इस्तीफे को स्वीकार करेगा अध्यक्ष, कौन करेगा? अध्यक्ष। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस में अपॉइंटेंट डे का अर्थ बताया गया है? तो इसमें नगर पालिकाओं का जो परिसीमन आयोग होता है ना, उसमें बताया गया है। इसका ऑप्शन होगा सी। अच्छे से याद करना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है ये, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगर निगम के तकनीकी सेवाओं के काम से संबंधित अधिकारियों को वितरित करने का अधिकार किससे है? वितरित करने का जो अधिकार है वो है मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होता है ना नगर पालिका में, उसको है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की वह कौन सी धारा है जो गलत घोषणा करने के बारे में बताती है? जो भी मतलब गलत घोषणा करते हैं उनके लिए जो दंड का प्रावधान है उसके बारे में बताती है, वो हमारी ए नंबर ऑप्शन है, 15 नंबर की धारा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उस अधिकारी की पहचान करें जिसे नगर पालिका में नगर निगम की संपत्ति के किसी भी नुकसान की रिपोर्ट करने का अधिकार सौंपा गया है। तो वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी ही होगा, इसमें कौन सा होगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जो सी ऑप्शन है हमारा, ये सही है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में नगर पालिका विघटन की तिथि से कितने महीने के भीतर चुनाव को संगठित करने का कार्य पूरा किया जाता है? तो 6 माह के बाद चुनाव हो जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत ब्रिज शब्द में निम्न में से क्या निहित है? जो ब्रिज शब्द है ना, उसमें क्या निहित है? तो उसमें निहित है पुलिया या कलवर्टर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और जिसने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगली क्लास हमारी आने वाली है, उसका आप इंतज़ार करते रहिए और एकदम मन लगा के पढ़ना है आपको। अगर आप कहोगे तो मैं विस्तार से भी आपके लिए क्लास लेके आऊँगा, लेकिन
आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये पर्सन, इसलिए आपको याद करना ज़रूरी है, अच्छे से याद कर लेना। ओके, धन्यवाद।